Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan and welcome back to my channel. आज हम लोग ग्रेड ट्वेल्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये चैप्टर कम से कम सिक्स टू एट मार्क्स फेच करते हैं इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज यूजल मैं हमेशा यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में ताकि बाद में जब हम इसका रिविजन करें तो इट विल भी ईजी फॉर अस टू तो रिवाइज सो so, मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर जो ये सारे पॉइंट्स हैं उनका पहले डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा एंड देन उसके बाद फिर उसको प्रॉपरली

ऑक्सीजन से लेके टेलोरियम ये जो चारों हैं ये कहलाते हैं चैल्कोजेंस या ये क्यों कहलाते चैल्कोजेंस बिकॉज दे आर और फॉर्मिंग एलिमेंट्स ऑल राइट ठीक है ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट. ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट. ये सबको पता ही है देम ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट ठीक है लास्टली यहां पर पोलोनियम के बारे में बता दूं पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव ऑल राइट इट इज रेडियो एक्टिव इसका नाम इसके जहां पर ये ढूंढा गया था वहां पर रखा गया था पोलैंड में ढूंढा गया था पोलैंड में मैडम क्यूरी थी 1897 के अराउंड तो वहां पर इसकी डिस्कवरी हुई थी तो हैंस उस Uh, इसके जो कंट्री है जहाँ पे ढूंढा गया था जहाँ पर ज़्यादा पाया आता है तो उस कंट्री के ऊपर के इसका नाम रखा गया है दैट इज़ पोलोनियम पोलैंड से आया पोलोनियम और राइट सो ये हमारा आ गया अकरेंस में नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिजिकल स्टेट में तो फिजिकल स्टेट में ऑक्सीजन इज गैस वाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड एट ऑर्डनरी टेम्परेचर वो इसलिए बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ओ टू एंड अदर एलिमेंट सचैस सचैसे हम लोग सल्फर ले लेते हैं वो एग्जिस्ट करता है एज एस एट ठीक है तो यहाँ पर मॉलिकुलर मास कम हुआ जिसके वजह से ये गैसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है एंड इसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा है ये बड़ा मॉलिक्यूल uh, है तो हैंस वैंडवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है तो हैंस ये सॉलिड uh, स्टेट में एग्जिस्ट करता है अब अगला क्वेश्चन यह आता है कि भैया ये O2 में क्यों एग्जिस्ट करता है ये एसिड में क्यों एग्जिस्ट करता है इसका रीजन ये है कि O2 के बीच में है डबल बॉन्ड और सल्फर के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड एंड उस अदर जितने एलिमेंट्स होते हैं सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और सल्फर का जो स्ट्रक्चर होता है अगर आपने आ, देखा होगा ग्रेड तो अगर आपने सल्फर सु, सु, का स्ट्रक्चर देखा होगा पकड़ स्ट्रक्चर होता है जिसको क्राउन uh, स्ट्रक्चर uh, भी इसको बोलते हैं तो सल्फर सिंगल बॉन्ड क्यों बनाता है एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाता है वो इसलिए बिकॉज ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है जिसके वजह से साइड वाइज ओवरलैपिंग दो ऑक्सीजन आइटम ज़्यादा ईजिली कर लेते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग जब ज़्यादा ईजिली हो जाएगी तो हैंस मल्टीपल बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे राइट जिसकी वजह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे ईजिली बना लेता है अब सल्फर सल्फर इज़ अ लार्जर मॉलिक्यूल बिगर मो आटम सॉरी तो सल्फर का साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाता होता है बट इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता जिसके वजह से वो बहुत वीक होता है तो सल्फर क्या करता है सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाने में ही इंटरेस्ट uh, दिखाता है तो हैंस वो लंबी लंबी चेंज बनाता है विद दी हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड्स ठीक है, तो यहां पर वैंडावल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वो सिंगल बॉन्ड ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा रादर देन मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड इसलिए नहीं बना पाता बिकॉज बड़ा एटम है साइड वाइज ओवरलैपिंग इतना ईजिली पॉसिबल नहीं हो पाता जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो छोटा मॉलिक्यूल ये सिंगल बॉन्ड बना के बड़ा मॉलिक्यूल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स दीज विल एग्जिस्ट एंड अदर एलिमेंट्स विल एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट वेर एज दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ये छोटा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसके वजह से ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ऑल राइट यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीन शॉट नेक्स्ट इज अटोमिक एंड आइनिक रेडिया अच्छा यहाँ पर पिछले बार में एक बताना चीज़ भूल गया था जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एन एस टू एन पी फोर और राइट इसका जितने भी ऑक्सीजन ग्रुप होता है उसमें जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो ऑक्सीजन फैमिली होती है उसमें जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज़ एन एस टू एन पी फोर और राइट अब हम लोग आते हैं एटॉमिक एंड आइनिक रेडियाई के बारे में <coughs> ट्रेंड दोनों का सेम चलता है अटोमिक रेडियाई लेफ़्ट टू राइट जब भी जाते हैं तो डिक्रीज करता है तो अगर मैं इसको फिफ्टी ग्रुप से कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो फिफ्टीन ग्रुप से सिक्सटीन ग्रुप वालों का अटोमिक रेडियाई कम होता है एंड ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑटोमिक रेडियाई बढ़ता जाता है ग्रेड इलेवंथ में भी आपने बढ़ा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं तो इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है अटोमिक एंड आइनिक रेडियाई के बारे में नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेंसिटी अब डेंसिटी देखते हैं तो डेंसिटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप वो इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है जब साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है तो वैंडावल्स फ़ोर्सेज ऑफ़ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होते जाते हैं वैंडोवॉल्स फोर्सेज इंक्रीज़ होता जाता है बिकॉज़ सर्फेस एरिया बढ़ता जाएगा तो वैंडावल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा जिसके वजह से जो लैटिस है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने लगता है लैटिस बिकम्स कॉम्पैक्ट और जब लैटेस्ट कॉम्पैक्ट होने लगता है तो डेंसिटी विल ऑलवेज इंक्रीज और राइट तो आपको यह समझ में आ गया साइज बढ़ेगा वैंडोवाल क्योंकि सर्फेस एरिया बढ़ेगा तो वैंडोव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी जिसके वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो जिसकी वजह से लैटेस्ट बिकम्स मोर कॉम्पैक्ट और जब लैटेस्ट कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो डेंसिटी विल ऑलवेज इंक्रीज और राइट नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉन्ग पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आता है तो इंक्रीज करता ही आता बट एक यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आती है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोलोनियम इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ सिलेियम ये डिस्क्रिपेंसी आती है तो पहले ज़रा एक दो पॉइंट है मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ इसमें कि सल्फ़र एंड ऑक्सीजन के बीच में मेल्टिंग पॉइंट का बहुत बड़ा जंप आता है अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन का देखूँ तो वो होता है फिफ्टी और सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन होता है थ्री के आसपास ऑल राइट right, तो इतना बड़ा जंप इसलिए होता है बिकॉज ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड सल्फर इज अ सॉलिड एस एट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये सॉलिड है और ये गैसियस स्टेट में है जिसके वजह से इतना बड़ा आप जंप देखते हैं इन द मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑब्वियसली यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर एक एस uh, एट बड़ा स्ट्रक्चर है ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स है तो हेंस यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा ठीक है देन अगला है यहाँ पर कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोलोनियम आर स्मॉलर देन दैट ऑफ सेलिनियम वो इसलिए है बिकॉज पोलोनियम में इसको दूसरे कलर से कर कल लेते हैं वो इसलिए है बिकॉज पोलोनियम में आता है इनर्ट पैर इफेक्ट इनर्ट पैर इफेक्ट इनर पेरीफेक्ट का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो इट इज़ द रिलेक्टेंस ऑफ इनर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन तो जो एस ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो कम इंटर मोलिकुलर वैंडावॉल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जब कम इंटर मोलिकुलर वैंडावल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसके वजह से कम मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे जब कम मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा राइट तो मैं जल्दी से यहां पर लिख देता हूं ड्यू टू इनर्ट पर इफेक्ट एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेटिस डू नॉट पार्टिसिपेट जिसके वजह से इंटर इंटरमोलिकुलर वैंडोवाल फोर्सेज डिक्रीज हो जाती हैं जिसके वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट विल डिक्रीज ठीक है समझ में आ गया यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीन शॉट एंड देन विल मूव टू आयनाइजेशन एंड थेलपी अब हम लोग आते हैं आयनाइजेशन एन थेरेपी या आयनाइजेशन एनर्जी एनेशन एनथेरेपी आपने थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ा होगा एनर्जी को एन थेरेपी बोलते हैं वैन इट इज़ कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो, तो यहाँ पर हम आयनाइजेशन थेरेपी आयनाइजेशन एनर्जी कुछ भी तो यहाँ पर बोल सकते हैं उसको और राइट तो पहला पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली इज क्वाइट हाई लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एन थेरेपी हमेशा इंक्रीज होती जाती है एंड डाउन द ग्रुप इट ऑलवेज डिक्रीजेज जैसे ये हमेशा लिखा हुआ है और राइट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर द फर्स्ट एनेशन एन थेरेपी ये थर्ड पॉइंट है ये सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें फर्स्ट एनेशन एन थेरेपी ऑफ ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम आर लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग फिफ्टीन ग्रुप एलिमेंट्स वो इसलिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का लिखा और दोनों के कॉन्फिग्रेशन जब आप लिखेंगे तो कॉन्फिग्रेशन होगा यहाँ पर वन एस टू टू एस टू टू पी फोर और यहाँ पर आ गया वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है और राइट पी में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसका हाफ फिल्ड हो गया थ्री और यहाँ पर फोर इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर हाफ फिल्ड है तो आप जानते हैं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल्स ठीक है जिसके वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिस इसके पास पी फोर है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर सकता है टू अचीव हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन राइट तो इसका फर्स्ट आइनेशन इंथेरेपी नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट आइनेशन इंथेरेपी ऑफ ऑक्सीजन ठीक है अब दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए मान लीजिए जरा सेकेंड हम लोग चेक कर लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन आपने जब निकाल दिया तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 1s2, 2s2, 2p3 राइट right? और इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2 2s2 2p2 ठीक है आप देखिए अब इसके पास हाफ फिल्ड हो गया तो अब आप सेकेंड आयनेशन जब कंपेयर करेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन थे ऑफ ऑक्सीजन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन तो यहां पर जल्दी से लिख देते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एन ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन इन ऑफ नाइट्रोजन मतलब डिफरेंस समझ में आ गया या एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया कि हाफ फिल्ड है यहाँ पर इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा ईजिल है बिकॉज ये हाफ फिल्ड अचीव करने की कोशिश करेगा यहाँ पर देख लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाफ फिल्ड हो गया राइट right? तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू दिस दैट इज़ वाई सेकेंड आइनेशन इन थेरेपी ऑफ ऑक्सीजन विल बी ग्रेटर दैन सेकेंड आयोनाइेशन इन थेरेपी ऑफ नाइट्रोजन और यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है दर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इज सेल्फ फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड और राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर दी है एंड डाउन द ग्रुप जब आप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे इंक्रीज करेंगी डाउन द ग्रुप जब आएंगे तो डिक्रीज़ करेगी और राइट तो अगर आप ग्रुप ग्रुप फिफ्टीन से इसको कंपेयर करें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो सबको पता है एंड ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फोन आपको पता ही होगा फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉलोड बाई ऑक्सीजन फॉलोड बाय नाइट्रोजन ये फोन हमेशा ऐसे याद रखिएगा ऑल राइट नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इन थेलपी इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ दी एनर्जी लॉस्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम कोई एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जल्दी घसीटेगा तो हैंस जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी उस केस में रिलीज़ होगी जो ज़्यादा जल्दी ईजिले इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो इस तरीके से ये जो 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी की वैल्यू होती है मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं तो लेफ्ट टू राइट जब भी आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी की वैल्यू बिकम्स मोर नेगेटिव मतलब मोर एनर्जी इज रिलीज ऑल राइट एंड डाउन द ग्रुप जब भी आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी मतलब कि लेस एनर्जी विल बी रिलीज यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ठीक है डाउन द ग्रुप अब यहाँ पर एक डिस्क्रिपेंसी आती है ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इनथेरेपी बिकम्स लेस नेगेटिव मगर यहाँ पर ऑक्सीजन हैज़ लेसर इलेक्ट्रॉन गेन इनथेरेपी एज कम्पेयर टू सल्फर वो इसलिए बिकॉज देखिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव है मगर उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ईजिली एकोमोडेट नहीं कर पाएगा जब इजीली अकोमोडेट नहीं कर पाएगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाएगा भैया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तो कर लिया मगर आपके पास जगह भी तो होनी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए ठीक है तो सल्फ़र के पास ज़्यादा जगह है वो बड़ा मॉलिक्यूल उसके पास वेकेंडी ऑर्बर्ट है जिसके वजह से वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ईजिली अकोमोडेट कर सकता है हेंस वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन तो हेंस सल्फर इज़ मोर सल्फर हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन गेन इन थेल्पी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ठीक है तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर और थोड़ा एलैबरेट कर देता हूँ ऐसे लिख देता हूँ सल्फर हैज़ सल्फर हैज़ लार्जर साइज एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन हेंस इट कैन अकोमोडेट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ईजिली एंड हेंस हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी ठीक है बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन आप फ्लोरीन और क्लोरीन में भी पढ़ेंगे राइट फ्लोरीन एंड क्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा बड़ा साइज होता है जिसके वजह से वो इजीली अकोमोडेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन हेंस उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थेल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरिन ठीक है यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीन शॉट देन वील कम टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑल एलिमेंट्स शो माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपको पता ही है बिकॉज सारे एलिमेंट्स को दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है टू अचीव दी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन हेंस वो दो इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन कर सकते हैं दैट इज़ वाई वो वो माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं मगर यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा सा खुराफाती है जो फर्स्ट मेम्बर्स होते हैं वो हमेशा थोड़ा बहुत खुराफाती होते हैं ऑल राइट right. क्योंकि ऑक्सीजन माइनस तो शो करता ही है सो so, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एच इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा माइनस और राइट फ्लोराइड ले लेते हैं ऑक्सीजन का जैसे ओ एफ टू हम लोग लेते हैं अब क्योंकि फ्लोरीन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो फ्लोराइड जब लेंगे तो उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा प्लस टू एंड एक और मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाते हैं सुपर ऑक्साइड जैसे उसका एग्जाम्पल होता है Na2O तो Na2O में ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा माइनस वन बाई टू ठीक है तो ये ऑक्सीजन कुछ और खुराफाती यहाँ पर कर देता है अब अगला पॉइंट है कि सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स आल्सो एग्जिबिट प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑब्वियसली प्लस फोर प्लस टू ज़्यादा स्टेबल है ऊपर से नीचे आते हैं तो जो आ, आ, ये प्लस फोर और प्लस सिक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है पोलोनियम का प्लस फोर ज़्यादा स्टेबल होता है अभी मैं सब ये लिख दूंगा आप परेशान मत होइए तो दरअसल मैं यहाँ पर ये यह शो करने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपने ग्रेड इलेवंथ में पढ़ा हुआ है कि सल्फर या दूसरे एलिमेंट जो है प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स आखिर शो कैसे करते हैं ओ राइट right? तो जल्दी से हम लोग देखते हैं सल्फर का अटोमिक नंबर है सिक्सटीन इसका कॉन्फिग्रेशन जब आप लिखेंगे तो ये होगा टू तो ये आ गया दस बारह और ये चार ठीक है जब आप इसको ऐसे खोल के लिखेंगे तो ये आ गया आपका थ्री एस और ये आ गया आपका थ्री पी अच्छा थर्ड एनर्जी लेवल में हम लोग जब आ जाते हैं तो डी ऑर्बिटल भी आ जाता है तो यहां पर एस में दो और पी में चार इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑलराइट राइट तो ये सल्फर का ग्राउंड स्टेट है सल्फर का ये ग्राउंड स्टेट है राइट right. तो यहां पर आप देख सकते हैं दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हेंस ये दो बॉन्ड बना सकता है तो इस केस में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा दैट इज प्लस टू ठीक है अच्छा अब एक इलेक्ट्रॉन p से कूदी करवा दीजिए थ्री डी में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऑलराइट right, एक स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को तो थ्री एस अभी थर्ड लेवल में आपका थ्री डी भी आ जाता है तो यहाँ पर एक दो तीन चार तो अब आप देख सकते हैं चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है जब चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हेंस वो चार बॉन्ड बना सकता है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर की आएगी दैट इज प्लस फोर आप देखिए प्लस सिक्स कैसे बनाएगा सेकेंड ऑक्सीडे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर प्लस सिक्स शो करेगा कैसे जब थ्री एस का एक इलेक्ट्रॉन थ्री डी में कूदी कर जाएगा ये थ्री एस हो गया ये थ्री पी एंड ये थ्री डी अब आप देख सकते हैं छः अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये छः बॉन्ड बना सकता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा प्लस सिक्स राइट यहाँ का एक एग्जांपल आप देख लीजिए एस ओ यहाँ पर जो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो एस ओ टू एंड यहाँ पर प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा उसका एग्जांपल एस एफ सिक्स ठीक है तो इस तरी इन तरीकों से आपने देख लिया कि सल्फर जो है वो प्लस टू एंड हैवियर एलिमेंट्स प्लस टू प्लस फोर एंड प्लस सिक्स कैसे शो करते हैं राइट पोलोनियम के बारे में मैं आपको बता दूं प्लस फोर प्लस टू ऊपर नी, से नीचे आते हैं तो प्लस फोर प्लस सिक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है एंड पोलोनियम का पोलोनियम हैज स्टेबल प्लस फोर कॉन्फिग्रेशन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स के कंपैरिजन में प्लस फोर ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट परफेक्ट ड्यू टू इनर्ट परफेक्ट हो क्या रहा है कि ये जो थ्री एस वाले इलेक्ट्रॉन्स ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं जब थ्री एस वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ फोर तो हैंस पोलोनियम so, uh, का प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्लस सिक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीन शॉट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर ऑब्वियसली 16 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल ज़्यादा होते हैं मेटालिक कैरेक्टर उनमें बहुत ज़्यादा कम होता है एंड डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती चली जाती है तो ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इनक्रीज़ेज अगर आप ग्रुप फिफ्टीन से कंपेयर करें तो इनका मेटालिक कैरेक्टर बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स एंड डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज़ ठीक है तो यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स सेलिनियम एंड टेलोरियम आर सेमी कंडक्टर्स एंड पोलोनियम इज़ हाईली मेटालिक इन नेचर जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर से नीचे आते थे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होते जाता बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती चली जाती है नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैटिनेशन कैटिनेशन के डेफिनेशन आप सबको जानते हैं मैं फिर से बताता हूँ इट इज टेंडेंसी ऑफ द एटम्स टू लिंक विद इट सेल्फ और विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म लॉन्ग चेंस All right usually बोला जाता with itself to form long chains ठीक है सो so, ऑक्सीजन की बहुत कम टेंडेंसी होती है सल्फर की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड ईजिली बना सकता है सल्फर सिंगल बॉन्ड ईजिलीली बना सकता है बिकॉज ऑफ दी साइज़ ऑफ द सल्फ़र सल्फर साइड वाइज ओवरलैपिंग या दूसरे एलिमेंट जो होते हैं ऑक्सीजन फैमिली में वो साइड वाइज ओवरलैपिंग ईजिल नहीं कर पाते हैं जिसके वजह से मल्टीपल बॉन्ड नहीं बन पाता है तो हैंस इंटर मोलिकुलर वैंडावल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो सिंगल बॉन्ड uh, बनाते हैं तो हैंस लंबी लंबी चेन बन जाती है ऑलराइट <coughs> कैटनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप अब डाउन द ग्रुप जब आते आ रहे हैं तो कैटिनेशन टेंडेंसी इसलिए डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऐटम्स हैवी होते चले आ रहे हैं और राइट right, जब हैवी आइटम होंगे तो वो ज़्यादा लंबे लंबे चेंज नहीं बना पाएंगे थोड़ा आप ये कॉमन सेंस वाली बात है जब हैवी हैवी आइटम्स होंगे तो वो लंबे लंबे चेंज को हैंडल नहीं कर पाएंगे या मेनटेन नहीं कर पाएंगे दो हैंस कैटनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप और राइट यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीन शॉट लास्ट आज का टॉपिक है हमारा एलोट्रोपी ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ओ टू एंड ओ थ्री एंड इसमें आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल एज ओजोन। Uh, इस पर क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो उसमें हम करेंगे सल्फर एग्जिस्ट एज होमोसाइक्लिक स्पीशी कंटेनिंग सिक्स टू ट्वेंटी सल्फर आइटम जैसे एस एट एग्जाम्पल ले लीजिए ऑर्थोरॉम्बिक सल्फर होता है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एस एट ऑर्थोरॉम्बिक सल्फ़र इज़ एन एग्जाम्पल फिर अन फिर दूसरा है कैटिना एस एन सल्फ़र जिस जो चेन पॉलीमर्स बनते हैं उनको uh, उनको इस इस कैटेगरी में डाला जाता है फिर अनस्टेबल स्मॉल सल्फ़र मॉलिक्यूल्स जिसमें एन की वैल्यू आप देख सकते हैं टू टू फाइव जैसे एस टू आप कंसिडर कर सकते हैं एस टू एज़ ओ टू जो होता है वेपर स्टेट में होता है एस <coughs> टू जो होता है वो वेपर स्टेट में होता है और इट इज़ ऑक्सीजन ये ग्रेड uh, इलेवेंथ में हम लोग ने पढ़ा था जब हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कर रहे थे पैरा मैग्नेटिक जब हम लोग मॉलिकल ऑर्बिटल थ्योरी कर रहे थे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये प्रूव हुआ था दैट ऑक्सीजन इज पैरा मैग्नेटिक नेचर उसी वक्त आपको बताया गया होगा कि सल्फर इज ऑल्सो पैरामैग्नेट वेपर फॉर्म ऑफ सल्फर इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक वेपर फॉर्म ऑफ सल्फर इज एस टू टू हेंस वो भी पैरामैग्नेटिक है एज दोनों का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम होता है ओ राइट फिर सेलिनियम एग्जिस्ट इन सिक्स एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स नोन एज अल्फा बीटा एंड गामा फॉर्म्स एंड इसमें फॉर्म्स आर रेड मोनोक्लिनिक फॉर्म एंड कंटेन एस ई एट रिंग्स ओ राइट फिर उसके बाद जो मोस्ट स्टेबल जो है दैट ऑफ सेलिनियम वो है हेक्सागनल मोनोक्लिनिक विच हैज़ इन्फाइनइट स्पायरल चेन ओ राइट But tellurium either. tellurium exists in two, uh, uh, two allotropic forms that is, one is metallic and the other one is non metallic. And polonium also exists in two allotropic forms that is, alpha and beta form, and both are metallic in nature. Alright, so you can quickly take a screenshot of this particular uh, page. सो दिस वॉज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आज हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर uh, की ऑफ सिक्सटीन ग्रुप नेक्स्ट हम लोग आएंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और भी उसके आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद हम लोग कुछ रिएक्शन देखेंगे फिर हम लोग सेवनटीन ग्रुप एटीन ग्रुप भी ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप कोई नई बुक उठाएंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से घबराइएगा नहीं ये कभी भी दिमाग में लाने दीजिएगा अरे इसमें तो अब नई चीज आ गई तो एक हमेशा फ्रेम ऑफ माइंड हमेशा दिमाग में रखिए कि कोई भी नई चीज आए उसको ऑब्जॉर्ब करिए आगे बढ़ जाइए लर्न करिए लर्न केमिस्ट्री ऐसी होती है कभी भी आप कोई नई बुक उठाएंगे आपको कोई ना कोई नई चीज जरूर मिल जाएगी तो घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी और राइट right? कोई भी अगर डाउट हो कोई भी अगर प्रॉब्लम या परेशानी हो यू आर मोस्ट वेलकम यू आर मोस्ट वेलकम टू मैं दमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा Uh, so, by this, uh, this is Dr. Imran Khan signing off. Hope you all have enjoyed this particular video. Uh, take care of yourself. Thank you for watching it. Thank you. Thanks a lot.